हाँ तो भाई लोगों, बोट की तरफ से उनका पहला ई सिम वाला स्मार्टवॉच लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम होगा बोट लूनर प्रो LTE। भाई आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने आपको बोट लूनर प्रो LTE के बारे में बताया था कि भाई बोट का एक पहला 4G कॉलिंग स्मार्टवॉच लॉन्च होने वाला है। लेकिन भाई उसका टीजर्स भी आया था, लेकिन वो वॉच पता नहीं कहां गायब हो गई थी। वापस हो सकता है मे बी उसका जो लॉन्च डेट था वो आगे की तरफ बढ़ा दिया गया हो कि भाई बाद में लॉन्च करेंगे। तो भाई फाइनली उसका लॉन्च डेट कंप्लीटली आ चुका है कि कब आपको वो मार्केट में देखने मिलेगी, एंड सारे फीचर्स भी आ चुके हैं कि भाई क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो भाई अगर आप भी एक बढ़िया सा ई सिम वाला स्मार्टवॉच लेना चाहते हो तो भाई मे बी आपको इस वीडियो में एंड तक रहना चाहिए ताकि आपको सारा कुछ इस वॉच से रिलेटेड जानने के लिए मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को, सब कुछ आपको बताऊंगा क्या प्राइस रेंज रह सकती है, कहां लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। देखो भाई, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई। सेल वगैरह की जो डील्स वगैरह है, ऐसे ऐसे डील्स जो कि भाई मैं वीडियो बनाकर नहीं बता सकता हूं, वो आपको वहीं पर देखने मिलती है। बहुत सारे स्मार्टवॉच आपको 200-300 रुपए में देखने मिल जाती है, तो ज्वाइन कर लो। बाकी अब स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। देखो भाई, बोट की डिजाइन की बात करूंगा, भाई डिजाइन क्या है। डेट इसका आ चुका है जो कि है 8 जनवरी को ये अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट पर दिन में 12 बजे, वहां से आप इसको ले सकते हो। प्राइस वीडियो के एंड तक आपको मैं बता दूंगा। देखो भाई, डिजाइन की मैं बात करूंगा, राउंड डायल शेप, एक गोल शेप में डिजाइन आपको मिलेगी। थोड़ा बहुत रगेड लुक में आपको इसका जो लुक है वो देखने मिलेगा। एक अच्छा खासा डिजाइन है, फुल ऑन मेटेलिक बिल्ड है, एंड मल्टीपल कलर चॉइस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो आपको पसंद आ रहा हो वो आप ले सकते हैं। एक अच्छा खासा डिजाइन आपको देखने मिलेगा, बढ़िया चॉइस है भाई, एक अच्छा ऑप्शन आपको यहां पर देखने मिलेगा। और राउंड डायल शेप काफी लोगों को पसंद आता है, वो भी आपको देखने मिल जाएगा। 1.39 इंचेस का एक बड़ा AMOLED डिस्प्ले जो कि 454x454 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा, साथ में 600 nits की ब्राइटनेस मिल जाएगी। देखो भाई, डिस्प्ले सेक्शन काफी बढ़िया आपको मिल रहा है, एक एवरेज साइज आप बोल सकते हो, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, एक बढ़िया साइज आपको देखने मिल जाएगा। और AMOLED मिल रहा है, तो क्वालिटी कलर्स वगैरह की काफी अच्छी आपको देखने मिल जाएगी। पिक्सल रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा है, एंड नीट्स ब्राइटनेस भी आपको काफी अच्छी देखने मिल जाएगी। देन भाई, यहां पर आपको AOD का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, इनकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और 100+ आपको यहां पर वॉच फेसेस मिल जाएंगे, विदाउट AOD, विद AOD सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा। दिन बात आती है हेल्थ फीचर्स एंड सेंसर्स की, तो भाई सारी चीजें मिलेगी, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप रेट मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड, एस्पिरेट हो गया, एवरीथिंग सारा कुछ यूज कर पाओगे, एंड 100+ स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाएंगे। जो भी आप डेली लाइफ में यूज करना चाहो वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। बात आती है मेन हाईलाइटिंग पार्ट की, जो कि है स्मार्ट फीचर्स, जिसमें भाई आपको मिलने वाला है ई सिम के साथ में कॉलिंग। भाई देखो, यहां पर आपको जियो, अगर आप सिम कार्ड बाय करते हो, अभी देखो ब्रांड ने ऐसा नहीं बोला कि भाई ओनली फॉर आप जियो का ही ई सिम इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रांड ये बोल रहा है कि भाई जियो का अगर आप इसमें ई सिम लेते हो फर्स्ट बार के लिए, न्यू सिम लेते हो, तो वो ओनली फॉर 99 का आपको देखने मिल जाएगा, जिसमें कि 3 महीने का कॉलिंग आपको बिल्कुल फ्री में देखने मिलेगा। तो वो चीज अच्छी है, अगर आप एक नया सिम कार्ड लेते हो तो आपको 3 महीने के लिए कॉलिंग फ्री में देखने मिल जाएगी। और भाई आपको मे बी यहां पर अपने फोन में जो आपने पहले से यूज कर रहे हो जो सिम, वही सिम ई सिम में यूज करने के लिए इस वॉच में मिल सकती है, क्योंकि सैमसंग का जो वॉच 4 आया था उसमें भी सेम ये चीज आप कर सकते थे, जो फोन में आप चला रहे हो वही आप वॉच में चला सकते हो। तो हो सकता है मे बी आपको यहां पर वो फीचर देखने मिले, बाकी ब्रांड की तरफ से ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। अगर ऐसा रहता है तो भाई बढ़िया है, आपको डबल रिचार्ज नहीं कराने पड़ेंगे, वरना फिर वॉच में अलग रिचार्ज कराओ, स्मार्टफोन में भी अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो उस चीज से आप बच जाओगे। तो बाकी भाई अगर आप सिम कार्ड वहां से लेते हो अलग से, तो 99 में आपको 3 महीने का देखने मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर नेट वगैरह हमको नहीं चाहिए, ओनली फॉर कॉलिंग ही हमको चाहिए होगी। देन भाई यहां पर आपको TWS कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप TWS वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो अपने स्मार्टवॉच से तो वो भी आप कर पाओगे। देन उसी के साथ में भाई यहां पर आपको रिमाइंडर, अलार्म, कैलकुलेटर, कैलेंडर सारा कुछ देखने मिल जाएगा, सब कुछ आप यूज कर पाओगे, एंड 200 कॉन्टेक्ट वगैरह सेव कर सकते हो, कॉल वगैरह सब कुछ आपको इसी से करने के लिए मिल जाएगा, कोई भी ब्लूटूथ कॉलिंग ऑप्शन नहीं है, ताकि भाई आपको अपने फोन से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आप वो से ही सारा कुछ यहां पर कर पाओगे, तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी प्रोटेक्शन में IP68 का प्रोटेक्शन है, साथ में डस्ट प्रूफ रेजिस्टेंस भी आपको देखने मिल जाएगा। अब देखो यहां पर ईसीम है ना, तो आपको प्रोटेक्शन अच्छा खासा देखने मिल रहा है, IP68 है, आप नहाने के लिए भी यूज करो भाई, कोई भी दिक्कत इसको नहीं होगी, आप आराम से इसको यूज कर पाओगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। बात आती है बैटरी बैकअप की, तो भाई यहां पर आपको मिलने वाला है 7 डेज का बैटरी बैकअप, डिपेंड करेगा आपके यूजर्स पर। भाई ब्रांड क्लेम कर रहा है 7 दिन का, लेकिन ब्रांड ये भी बोल रहा है अगर आप इसको ईसीम पे यूज कर रहे हो, इनकी कॉलिंग वगैरह यूज कर रहे हो, तो आपको 2 दिन का बैकअप मिलेगा, लेकिन भाई वो ब्रांड क्लेम कर रहा है अगर आप थोड़ा हार्ड यूज करोगे तो आपको 1 ही दिन का बैकअप यहां पर देखने मिल पाएगा। बाकी भाई ठीक है, आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है तो आप आराम से जैसे फोन को चार्ज करते हो वैसे आप इसको आराम से चार्ज कर पाओगे, जो फीचर्स वगैरह है वो काफी बढ़िया आपको देखने मिल जाएंगे। बात आती है इसका प्राइस की, भाई प्राइस कितना हो सकता है, तो आपने वोयाज देखा होगा इससे पहले जो आया था, भाई इसका उसका जो प्राइस था वो लगभग 10,000 रुपए था, और लॉन्च प्राइस स्पेशल प्राइस समथिंग आपको थोड़ा बहुत कम देखने के लिए मिल रही थी। भाई इसका प्राइस आप मान के चल सकते हो लगभग 8 से लेकर 10,000 रुपए। भाई देखो, जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड है, जैसे ही फाइनल प्राइस आता है मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।